अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ है अनाया हरीम, ये मेरी भांजियाँ हैं। काफ़ी दिन से ये आई हुई थी हमारे घर, यानी अपने मामू के घर। और मेरा बेटा ईसा, वो क्या हुआ है, अपने मामू के घर। व्लॉग हम शूट नहीं कर रहे थे, मेरी तबीयत ख़राब थी, ठंड वगैरह लगी थी। तो आज इनका लास्ट डे हमारे घर, ये काफ़ी दिनों से हमारे घर थी। आपको मामू घर मज़ा आता है? अच्छा, ये बड़ी हैं, ये छोटी हैं। इसके दांत पहले टूट गए, इसमें भी एक देखो, चलो दांत दिखाओ हिम्मो, दांत दिखाओ, शो योर टीथ। ये देखो जी, ये हिम्मो के दांत पहले टूट गए, ये छोटी है, ये बड़ी है, इसके अभी तक नहीं टूटे। अब ये देखो इसमें क्या ट्रेजेडी है कि बड़ी के नहीं टूटे, छोटी के टूट गए। मैं बताता हूँ, ये बहुत शरारती हैं और ये बहुत नोटी हैं। इन्होंने पता है क्या किया, ये वाइट वाश होता है ना, मीन्स बोल लो कली बोलो, अब हम कली बोलते हैं, ये ना वाइट वाश को खाती है हटा हटा के। अजान हो रही है, हम बाद में व्लॉग स्टार्ट करेंगे। ये व्यूअर्स, अजान ख़त्म हो गई है और अब हम दोबारा व्लॉग में आते हैं। हिमो इधर देखो, हिमो हिमो, इनको व्लॉग में आने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो अभी वो देखें, अम्मान भाई वहाँ बैठे हुए, अम्मान भाई इनको छोड़ने जाएंगे, इनको छोड़ने के लिए अम्मान भाई जाएंगे। वो अम्मान भाई सामने बैठे हैं, मोबाइल में कोई काम कर रहे हैं। तो अनाया ने आज घर में क्या देखा, क्या देखा था? कॉकरोच। अनाया ने घर में कॉकरोच देखा, कहाँ पर देखा था? बाहर किचन में। बाहर किचन में अनाया ने आज कॉकरोच देखा किचन में, और इसने फिर चीखे मारी, डर गई थी अनाया। और अभी हम जाते हैं बाहर, इनकी तीसरी बहन छोटी उसको दिखाने के लिए, मिन्हा को। और यहाँ पे मिन्हा आ गई है और मिन्हा रो रही है। तो भाई अभी इनको लिया, रोने लग गई, इनको वापस कर देते हम इनकी मम्मा को इससे पहले। अच्छा, इनको ये देखे, अब ये सब दूध पी रहे हैं, ये हरीम दूध पी रही है, हाँ, और वो नया दूध पी रही है, और वो अरबिश दूध पी रही है, और वहाँ पर राहिम रो रहा है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ इसके दांत कैसे टूटे। ये छोटी है, उसके टूटने पहले चाहिए थे, बट इसके टूट गए। क्या करती है ये कली खाती है, उसकी वजह से वो ख़त्म ही हो गए, अंदर उनकी रूट्स में जो है ना रह गए। तो अब पता नहीं, जब ये बड़ी होगी, डिस्टेंपर पेंट वगैरह मैंने बताया था वही खाती है, अब ये बड़ी होंगी तो पता लगेगा उनको कैसे निकालेंगे। अभी ये देखो, इनको दूध पिलाने का ये तरीका होता है, एक को दे दो, उसके बहाने से फिर सारी पीती है, अदरवाइज नहीं पीती। ये राहिम है, राहिम रो रहा है, ये राहिम है, राहिम रो रहा है, राहिम राहिम इसलिए रो रहा है, इसको ना वो हिफाजती इंजेक्शन वगैरह लगे थे, तो उनकी वजह से आपको पता ही है बच्चों को फीवर वगैरह हो जाता है, तो इसलिए ये रो रहे हैं। शो योर टीथ आ करके। अब ये देखो, अब जब ये 7 साल की हो जाएगी ना, डॉक्टर से चेकअप करवाया था, वो कह रहे थे ओके, बस बस, डॉक्टर कह रहे थे कि वो खुद इनको निकालेंगे, इसको फिर लगेगा पता, मज़ा आएगा। जा रही हो मामू के घर से, जा रही हो? अभी आज इन्होंने ना हमारे घर में चूहा देखा, और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा, ये बहुत खुश हो गई, एक्साइटेड हो गई। नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। अच्छा, आज घर में क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा? खुश हो रही है चूहे के, चूहे को याद करके खुश हो रही है, वो ऐसे समझती है जैसे कोई वो पेट हो और हमने इसे घर रख। अच्छा बताओ, आज घर हमारे क्या आया, चूहा? चूहा आज हमारे घर चूहा आया, कहाँ पर था? किचन में। किचन में चूहा था, किसने मारा? मामी ने चूहा मारा, और वो आपने उसे घर में रखना था। हाँ। इसको पसंद है चूहा, ये कह रही है मैंने उसे घर में रखना था, ये तो कोई खेलने वाली चीज है, इनके लिए तो ऐसा हो गया। अरबिश वगैरह को तो पता है चूहा, ये तो वैसे ही शोर मचा देती है, मम्मा चूहा आ गया, चूहा आ गया। और जो ये है, ये कॉकरोच को चूहा, कॉकरोच को चूहा बोल रही थी, वो कॉकरोच था जो किचन में आया था, चूहा नहीं था। भाई लोगों, अभी मेरा हो गया दूध पीने का टाइम, मैं पी रहा हूँ दूध, और आ गया हूँ मैं ड्राइंग रूम में, तो गर्म है काफ़ी। अच्छा, हमारा बिल्कुल खालस दूध आता है, हमने ना गाँव में भैंसें वगैरह रखी हुई हैं, तो गाँव हमारा यहाँ से तकरीबन 30 मिनट की डिस्टेंस पर है, जो कोई भी जाता है ना गांव वो फिर ले आता है, मीन्स हमारे घर से कोई ना कोई डेली जाता ही है। और ऐसा है कि पहले जो है हम खरीदते थे दूध,
वो उसमें इतना मज़ा नहीं आता था, पीने के लिए दिल भी नहीं करता था। तो अब जब से हमारा अपना घर का आना शुरू हुआ है, हम कह के खुद दूध मांगते हैं पीने के लिए कि दूध दे दे, अभी ये मैं पीऊँगा और फिर इसी तरह हम व्लॉग आगे कंटिन्यू रखेंगे। दूध तो बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी ठंडा होगा तो फिर हम पियेंगे। हाँ, अभी अरहम को तलाश करते हैं, अरहम काफ़ी देर से गायब है, कहाँ पर है उसे देखते हैं हम। शाम को रूटीन से सभी घर में दूध पीते हैं, तो अमान भाई का भी आ गया है। वो अमान भाई अपना दूध पी रहे हैं, साथ में खजूरें खा रहे हैं। अमान भाई उसमें पीते हैं जैसे गांव का ट्रेंड होता है ना, प्यालियों का, प्यालियों में पीते थे हम गांव में ऐसे। तो अमान भाई अब भी उसमें पी रहे हैं। अम्मी लेके आई थी ये, हम मेरी शादी पर लेकर आई थी अम्मी, वो उनमें से अभी भी काफ़ी बच गई हैं तो वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि शादी पे काफ़ी ज़्यादा गेस्ट मेहमान वगैरह आए ने आना था और कप वगैरह बहुत कम पड़ जाने थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अम्मी ये वाले प्याले लेके आई थी। इनको हम देसी लैंग्वेज में अस्सलाम प्याले बोलते हैं। दूध के साथ अम्मान भाई ये खा रहे थे। तो ये तो है खजूर, और यहाँ पर ये है, इसके अंदर मूंगफली है यानी पीनट्स, और ऊपर गुड़ की एक लेयर है, उसके ऊपर तिली है। तो ये बहुत ही अच्छी होती है स्टमक के लिए और बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मैं भी ले आया, मैं भी खाऊंगा भाई ये। मैं इनका कम्बिनेशन बना के खाता हूँ और देखते हैं कैसा टेस्ट लगेगा। अच्छा है, लेकिन अकेले अकेले मतलब सेपरेटली खाएं उसका ज़्यादा टेस्ट है, मिक्स में अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा इनको। मान भाई ये दूध के साथ खाते हैं, तो मैं भी दूध के साथ आज फर्स्ट टाइम ही खा रहा हूँ। हाँ, सर्दियों के लिए तो बड़ी मज़े की चीज़ है यार, ये गर्म भी होती है। हमने अपनी सिस्टर को ना अंडे भी दिए हैं देसी, ये देखें। हाँ, ये रखे हुए आटे में, ये काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता ही है हमने छत पे मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो जब से वो आई हुई थी उनके अंडे फिर हम कलेक्ट करते रहते थे, और जो एक्स्ट्रा होते थे वो उनके लिए कलेक्ट कर लेते थे। अब वो जा रही हैं, उनको ये हमने पैकिंग में दे दी हैं, इस तरह की कुछ पैकिंग बनाई है और उसमें आटा डाल के, और भाभी ने फिर उनमें ये रख दिए हैं, इससे टूटेंगे नहीं अभी ये। और ये मीना, ये देखो मीना, मीना 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 बेटी, मीना बेटी, ये अभी माशाल्लाह सिर्फ जस्ट 6 मंथ की है और छोटी सी बेबी है ये माशाल्लाह, तो अभी रोना स्टार्ट कर दिया इसने दोबारा से। अरहम यहाँ पर है व्लॉग में, अरहम भाई भी आ गए। अरहम काफ़ी देर से ज़िद कर रहे हैं, किस बात की ज़िद कर रहे थे अरहम? ये अंडों के लिए ज़िद कर रहे हैं कि मुझे अंडे बॉयल करके दें, और साथ में कह रहे हैं कि फूफो को छोड़ने के लिए मैं भी जाऊँगा। और ये देखे अब यहाँ पे यार, बिश तो हमारी है ही पागल। अच्छा हिमो, हिमो जा रही हो मामू के घर से? अच्छा व्यूवर्स, हमारा आज का व्लॉग यहाँ पर ही एंड होता है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बच्चे बाय बाय के लिए बोलेंगे। अच्छा हिमो, बाय बाय, से टू बाय बाय, बाय बाय। ये जी बाय बाय बोल रहे हैं बच्चे, व्लॉग को एंड करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।